दोस्तों हमने ये दो हॉर्न लगाया यहाँ पे, जो भोपू हॉर्न इसे हम बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है। अगर किसी कोई इसके साइड गुजर जाए तो वो हो सकता है वो डर भी जाए। तो हमने इस हॉर्न को जो लगाया वो डायरेक्ट वो जो कंपनी से जो हॉर्न आती है उसी पिन में मैंने इसको सेट किया दोनों को। बाकी ये देख सकते हैं इसका जो सेटिंग है वो मैंने यहाँ पे किया, ये होंडा शाइन बाइक है और एक मैंने इस साइड में किया यहाँ पर। तो ये दोनों का फोकस आगे करेगी, इसकी जो हॉर्न की जो साउंड है वो आगे की ओर जाएगी। और मैंने एक एलईडी लाइट लगाया यहाँ पे, जो हार्ट लाइट हम हार्ट एलईडी बोल सकते हैं, इसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अब देखिए इसे जो इंस्टॉल मैंने किया इसके अंदर गोंद टैपी आती है, टेप आती है, इसको हम डायरेक्ट इसमें चिपका सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ी बहुत चिपक गई और थोड़ी बहुत इसके ज़रिए से भी इसका इसके वजह से थोड़े इसको दबा के रखा है। अब इसको इसका जो सेटिंग है वो कहाँ करेंगे, इसके जो वायर है वो हमें किससे सेटिंग करना है। तो फाइनली इसे आप ब्रेक से भी कर सकते हैं, इस ब्रेक से भी सेटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट हाइट लाइट से भी सेट कर सकते हैं। तो लाइट का जो कनेक्शन है हम क्या करेंगे, बाइक को जैसे स्टार्ट करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिक इसकी जल जाती है। ये BS4 बाइक है तो इसके तो ऑटोमेटिक लाइट जलती रहती है, यहाँ कोई भी स्विच नहीं होता है। तो इसे आप लाइट से भी सेट कर सकते हैं इस एलईडी को, और साथ में ब्रेक से भी कर सकते हैं। ब्रेक से जो करेंगे तो जिस टाइम आप ब्रेक दबाते हैं उसी टाइम ये लाइट जलेगी, और जिस टाइम ब्रेक नहीं दबाएंगे तो लाइट वो नहीं जलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लाइट अब कैसे जल रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और रात को तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। जब दिन को इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो रात को तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत नज़र आएगी। तो इसका जो मैंने जो कनेक्शन किया दोस्तों वो मैंने यहाँ से किया, ये यहाँ से किया। पहले हम यहाँ से कनेक्शन कर रहे थे, इस बैकलाइट के होल्डर से कनेक्शन कर रहे थे, लेकिन इसकी जो सिस्टम है हेडलाइट की जो सिस्टम है वो होता है एसी वाला करंट, और मैं सोच रहा था कि डीसी करंट होगा तो यहाँ से मैं कनेक्ट जोड़ रहा था। लेकिन अगर आप बैकलाइट से जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहीं से कनेक्शन करना होगा, यहाँ से या फिर यहाँ से। अगर ब्रेक लाइट से कनेक्शन करना चाहते हैं, पीछे के ब्रेक लाइट से अगर कनेक्शन करना चाहते हैं तो एक वायर आपको इसमें लगाना होगा, रेड वाले को इसमें लगाना होगा, ठीक है, रेड वाले को, यानी कि प्लस वाले को इसमें लगाना होगा और माइनस वाले को किसी बॉडी में से लगाना होगा। तो ब्रेक से इस तरीके से लगा सकते हैं, जला सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट जलाना है तो डायरेक्ट आपको इस ब्रेक वाले में लगाना होगा। ये जैसे थे ये ब्रेक वाला जो करंट होता है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इस ब्लैक वायर में करंट आती है और ये डायरेक्ट करंट हो गई हमारा। वहाँ से स्विच ऑन है और यहाँ पे मैंने इस ब्लैक वाले वायर में लगाया रेड को, मैंने ये रेड को लगाया, देख सकते हैं ये रेड, ये देख लीजिए मैंने रेड को लगाया ब्लैक वाले में जो डायरेक्ट करंट देगी एसी, ये बैटरी वाला डीसी, और एक मैंने अर्थिंग जो है वो बॉडी से दे दिया। तो इस तरीके से लाइट अब जल रही है, वहाँ पे स्विच ऑन है, गाड़ी हमारी चलती रहेगी और ये लाइट भी जलती रहेगी। अगर ये चीज़ें आप लेना चाहते हैं, ये कोई भी एलईडी अगर लेना चाहते हैं, उस तरह की लेना चाहते हैं या फिर ये हॉर्न लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, सीधा जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, किसी भी वर्कशॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने हाथों से इसे सेट कर सकते हैं। मैं आपको हॉर्न भी दिखा देता हूँ कि हॉर्न मैंने कैसे सेट किया, ये देख सकते हैं हॉर्न मैंने कैसे सेट किया। यहाँ पे जो हॉर्न होती है कंपनी की, उस हॉर्न का जो क्लिप है मैंने बाहर निकाल दिया, और दो वायर आपको अलग से मिल जाएगी, वायर भी मिल जाती है ऑनलाइन, बाकी आप बनवा सकते हैं किसी मैकेनिक से। आप जाके हॉर्न की पिन ले लें और किसी इस तरीके से वायर लें, और आपको एक प्लास की मदद से दो डबल वाला आप हॉर्न क्लिप इसमें लगा के और दो हॉर्न लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने खोल दिया और इसको यहाँ से सेटिंग कर दिया और दोनों हॉर्न में अलग अलग पिन लगा दिया। ये हॉर्न भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।